तीन जादुई घोड़े। रामलाल नाम का एक आदमी अपनी बीवी सरोज के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही लालची किस्म के इंसान थे। रामलाल के पास तीन घोड़े थे। वो उन तीनों घोड़ों पर बहुत अत्याचार करता था, उनसे दुगना काम करवाता और खाने को भी कुछ खास नहीं देता था। अब ये घोड़े बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं, अब बिल्कुल काम के नहीं है। निकम्मे नहीं जी, अब ये बूढ़े हो गए हैं, अब तो आपको नए घोड़े लेने होंगे, वरना बुग्गी खुद ही खींचनी होगी। नए तो ले लूं, लेकिन इन घोड़ों का क्या करूं? आप ऐसा करो, इन घोड़ों को अच्छे से नहलाकर साफ सुथरा करके और एक दो दिन अच्छे से खाना खिलाकर बेच दो। सही कह रही हो, किसी का पता नहीं चलेगा कि ये घोड़े कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ रामू नाम का आदमी अपनी बीवी दुलारी से बोलता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? अरे हमने अपने घोड़ों का कितना इलाज करवाया, लेकिन दोनों बेचारे एक एक करके मर गए। हाँ जी, अब करें भी क्या, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। घोड़ों के बिना तुम व्यापारियों की अनाज की बोरी कैसे लेकर जाओगे? देखता हूँ, कुछ पैसे उधार लेकर नए घोड़े लाता हूँ। अगले दिन रामू गांव के जमींदार से पैसे उधार लेकर घोड़ा खरीदने जानवरों के बाजार जाता है। वहाँ रामलाल अपने तीनों घोड़े लिए खड़ा था। ले जाओ, अरे ले जाओ 20,000 में तीन घोड़े, अरे 20,000 में तीन घोड़े ले जाओ। अरे ये तो बिल्कुल कम दाम में घोड़े बेच रहा है, अरे वो भी तीन घोड़े। रामू रामलाल के पास जाता है। ए भाई, ये घोड़े आप 20,000 में दे रहे हो क्या? लेकिन आप इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? वो मेरी नौकरी शहर में लग गई है, और तो मैं अपने परिवार के साथ शहर जाकर ही रहूंगा, और वहाँ इन घोड़ों का क्या काम भला, अब मैं इनका क्या करूँगा, इसीलिए बेच रहा हूँ। अरे वाह, धंधे को आँख ही तो चाहिए थी, अब वो भी मिल गई। भाई आप ये तीनों घोड़े मुझे दे दो। रामू रामलाल से तीनों घोड़ों को खरीद के घर ले आता है, और अगले दिन जैसे ही रामू घोड़ों को बुग्गी से जोड़कर बुग्गी में सामान भरता है, घोड़े कुछ दूर चलकर गिर जाते हैं। अरे ये घोड़े गिर क्यों गए, इतना तो वजन भी नहीं रखा मैंने। रामू घोड़ों को डॉक्टर को दिखाता है। घोड़ों को देखकर डॉक्टर रामू को बोलता है, ये घोड़े तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और बीमार भी हैं, इनका इलाज करवाना पड़ेगा। रामू डॉक्टर की बात सुनकर बहुत दुखी होता है। अरे भाग्यवान, अरे हमारे साथ क्या खेल चल रहा है ये? सोचा तो ये था कि तीन घोड़े हो गए हैं काम बढ़ेगा, लेकिन ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। उस आदमी ने धोखे से मुझे ये तीनों बीमार घोड़े बेच दिए हैं। आप चिंता मत करो, दुखी क्यों होते हो? भगवान जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बेचारा रामू उधार ले लेकर घोड़ों का इलाज करवाता है, लेकिन अब उसके घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। क्या करूं दुलारी, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, इन घोड़ों को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, और अब इनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब तो तुम्हारे भी सारे गहने भी बिक गए हैं। इन घोड़ों को इनके मालिक को ही दे आओ। अगर इनका मालिक इनको रखना चाहता तो मुझे धोखे से क्यों बेचता। तभी बाहर एक साधु बाबा आते हैं। कुछ खाने को दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये लो बाबा, भोजन खा लीजिए। बाबा वहीं आंगन में बैठ के भोजन खाते हैं, और खाना खाकर रामू से पूछते हैं, बेटा ये तीन घोड़े कैसे हैं? लगता है तीनों ही बीमार हैं। क्या बताऊं बाबा। फिर रामू बाबा को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर बाबा बोलते हैं, तुम बहुत ही नेक इंसान हो, तुम बहुत दयालु हो। दयालु तो बहुत हूँ बाबा, लेकिन दयालु होने से कैसे काम चलेगा? अरे मेरे पास इनके इलाज के लिए अब बिल्कुल पैसा नहीं है। अरे कई लोगों से बात की, कोई बोलता है तू भी बाजार में धोखे से बेचा या फिर इनको मार दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृपया आप ही मुझे कोई रास्ता सुझाइए। बेटा मैं तुम्हारी परेशानी को समझ गया हूँ, लेकिन अब तुम कभी परेशान नहीं रहोगे। बाबा घोड़ों के पास जाकर अपने कमंडल से जल छिड़कते हैं।
और तभी अचानक वो तीनों घोड़े खड़े हो जाते हैं। ये क्या बाबा, मैं इतने दिनों से इनका इलाज करवा रहा हूँ लेकिन ये खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। बेटा अब ये मामूली घोड़े नहीं बल्कि ये तीनों जादुई घोड़े हो गए हैं। इनमें से एक घोड़ा पैसा, दूसरा घोड़ा सोना और तीसरा घोड़ा तुम्हें हीरा देगा। क्या बाबा आप सच बोल रहे हैं? आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया बाबा। और बाबा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रामू के घर सुबह सुबह जमींदार आ जाता है। ए रामू के बच्चे बाहर निकल, कितने दिन हो गए तुझे? आज दूंगा कल दूंगा, मुझे आज मेरे पैसे चाहिए। हाँ सेठ जी, मैं आपके पैसे शाम तक दे दूंगा। देखता हूँ तेरी शाम कब तक होगी। हम इन घोड़ों से पैसे मांग कर देखें। हाँ हाँ चलो पैसे मांगते हैं। हे जादुई घोड़े हमें पैसे दे दो। ऐसा बोलते ही एक घोड़े का शरीर 2000 के नोट के जैसा दिखने लगता है और उसके मुंह से 2000 के नोट निकलने लगते हैं और पैसे देने के बाद घोड़ा वापस से अपने रूप में आ जाता है। दोनों पति पत्नी खुशी से सारे पैसे उठाते हैं और जितने पैसे जमींदार से लिए थे वो वापस कर देते हैं। ए भगवान, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैं क्या कह रही थी जी, मेरे पास एक भी सोने का गहना नहीं है, क्या हम इनसे सोना निकाल कर गहने बनवा सकते हैं? भगवान की महिमा भी अपरंपार है, जिन घोड़ों की वजह से तुम्हारे गहने बेचे आज वही घोड़े तुम्हें गहने देंगे। हे जादुई घोड़े मुझे सोना दे दो। और तभी दूसरा घोड़ा अचानक से सोने का बन जाता है और वो बहुत सारा सोना देता है। सोना देने के बाद वो घोड़ा भी पहले जैसा हो जाता है। हे जादुई घोड़े मुझे हीरे दे दो। तभी तीसरे घोड़े का शरीर भी हीरे का बन जाता है और वो बहुत सारे हीरे देता है। उसके बाद वो भी पहले जैसा बन जाता है। अब तुम इन हीरो का क्या करोगी? सोने के गहनों में हीरे जड़वाऊंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसे ही जब भी रामू को पैसों की जरूरत होती वो तीनों जादुई हीरे के घोड़े से हीरे, कभी सोने के घोड़े से सोना, तो कभी 2000 नोट बने घोड़े से पैसे मांग कर अपनी जरूरत को पूरी करने लगता है और धीरे धीरे गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगता है और ये बात दूर दूर तक फैल जाती है। सुना है पास के गांव में एक रामू नाम का आदमी गरीबों की मदद करता है। हाँ तो सोच क्या रहे हो, बन जाओ गरीब। रामलाल गरीब का नाटक करके रामू के घर जाता है। बहन जी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, सुना है आप गरीबों की मदद करते हो, मेरी बीवी बहुत बीमार है। अरे 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 आप रोना बंद करिए, सुनते हो जी, एक बार बाहर तो आना। हाँ दुलारी क्या बात है? दुलारी रामू को सारी बात बताती है। रामू उस आदमी को देखकर पहचान जाता है। अरे तुम तो वही हो जिसने मुझे बीमार घोड़े बेचे थे। ना, घोड़े तो भले चंगे थे, आपके पास ही आकर बीमार हुए होंगे। चलो जो भी था, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए पैसे दे दूं। ए जादुई घोड़े मुझे पैसे दे दो। तभी घोड़े का शरीर 2000 के नोट जैसा हो जाता है और उसके मुंह से 2000 के नोट निकलते हैं। ये लो पैसे। रामलाल ये सब देखकर चौंक जाता है। ये घोड़े तो मेरे हैं, लेकिन ये जादुई कैसे हो गए? रामलाल अपनी बीवी को सारी बात बताता है और दोनों के मन में लालच आ जाता है। आज रात को हम घोड़ों के पास चलेंगे और खूब सारा सोना, पैसे और हीरे लेकर आएंगे। वो घोड़े हमें जानते हैं तो हमें कुछ कहेंगे भी नहीं। और रात को तीन बड़े बड़े बैग लेकर दोनों रामू के घोड़े के पास आ जाते हैं। तीनों जादुई घोड़े, अरे हमें पैसे, सोना और हीरे दे दो। और तीनों घोड़ों का शरीर सोने, हीरे और 2000 के नोट में बदल जाता है और उनके मुंह से सोना, हीरा और 2000 के नोट निकलने लगते हैं। दोनों जल्दी जल्दी सब कुछ भरने लगते हैं। तभी सरोज बोलती है, अजी सुनते हो, मैं तो कहती हूँ इनको चुरा कर ले चलते हैं,
फिर हम जब मर्जी तब ये सब निकाल सकते हैं। और सरोज के बोलने पर जैसे ही रामलाल तीनों की रस्सी खोलता है, तीनों घोड़े रामलाल पर पैरों से वार करने लगते हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ रे, अरे कोई मेरे पति को बचाओ, अरे बचाओ तो, अरे कोई है क्या? आवाज सुनकर रामू और दुलारी बाहर आ जाते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे घोड़े, अरे शांत हो जाओ। घोड़े शांत हो जाते हैं। सरोज रोते हुए अपने लालच के बारे में बताती है। ओ अच्छा, तो तुम बीमार नहीं थी, ये कल भी हमसे झूठ बोलकर पैसे लेकर गए थे। दोनों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और दोनों शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं।